भाई ये सस्पेंशन ब्रेक ये 4x4 नहीं है क्या? 4x4 है। फिर क्या हो रहा है? ये देखो ये चढ़ नहीं पा रही है। ये देखो हमारी जिमनी की हालत, इतनी इतनी बर्फ़ थी, इतनी इतनी बर्फ़ में निकाल के लाए हैं, पूरे टायर में बर्फ़ है। मॉर्निंग फ्रॉम काजा। तो गाइस सुबह के 8 बजे हैं और मैं वेदर दिखा देता हूं आपको। 29 डिग्री हो गया है यहां पे, और कल जब नाको में थे तब -22 था इससे 8 बजे, और इस समय है -29। और कुछ इस तरह से है, सब भाई लोग उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और वे भाई बाप ले रहे हैं सूरी जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब हम जाएंगे बर्फ में खेलने कूदने। हाँ, ये भाई पूरी जंप मारेंगे बर्फ में, जितनी भी गहरी से गहरी हो सकती है, चाहे कोई रोके, जंप मारने में नहीं रुकना है। हाँ, नहीं क्योंकि आए हैं यहाँ सिर्फ स्नो में खेलने। तो अभी नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, अभी ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, आलू के परांठे बना रहे हैं नीचे, और वो परांठे खा के फिर निकलेंगे। यहाँ पे जो व्यूज पॉइंट है, जैसे चीचम ब्रिज है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे जो पोस्ट ऑफिस है, एक विलेज है, किब्बर विलेज है, और कॉमिक है, कॉमिक विलेज है, इसी तरह कई एम एल काफ़ी यहाँ पे व्यू पॉइंट्स हैं, वो देखते हुए फिर अपना वापसी चलेंगे। तो गाइस हम हैं होम स्टे के टेरेस पे, और यहाँ मैं चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बहुत बढ़िया व्यू है। ये है कला केंद्र, ठीक है, वो है स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है ये सामने, बहुत बड़ा सा मैदान। ये देखिए पूरा स्नोई माउंटेन, और ये हमारी जिमनी खड़ी है, और ये अभी माउंटेन है, चारों तरफ का व्यू ये देख लीजिए। ये रिवर साइड है, ये सामने ही रिवर है। वो सूर्य देवता जी निकल आए हैं, शुक्र है। तो अब हम चलेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, ये है आलू प्याज पराठा विद चटनी विद कर्ड और अचार। तो वेद भाई खा रहे हैं, गुलाब भाई खा रहे हैं, और मैं भी चाय भी। सूरी जी अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है सर। हाँ, ये चाय भी आ गई हमारी, शुगर वाली। तो बस खा के फिर अगली तैयारी करते हैं। हम अब रेडी हैं, हम पूरी पैकिंग हो गई है, तो अब निकल रहे हैं अपना काजा को एक्सप्लोर करने। और ये भाई, नाम क्या है आपका? नमगेलो जी सर। तो इनका होम स्टे है नोरियांग होम स्टे, बहुत ही बढ़िया है यार, मज़ा आ गया, घर जैसा फील आया, खाने में भी, रहने में भी, सोने में भी। और इनके होम स्टे में ज़रूर आएँ, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये रिवर व्यू के सामने है, बहुत रिवर व्यू भी नज़र आएगा आपको, और बहुत अच्छा व्यू है इसके सामने। और सारे भाई लोग, तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। बहुत बढ़िया रही रात की नाइट, टेम्परेचर जो है इस समय -28 है। मैं हूँ, लांबा जी हैं, हमारे क्या बोलते हैं गुलाब जी, गुलाब भाई हैं, ये अपना भारत भाई साहब हैं, और अब हम निकलने लगे हैं स्पीति को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करेंगे स्पीति, भारत माता की। वो हमारी जिमनी खड़ी है, वंदे मातरम। तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों,
हम इस समय निकल चुके हैं कावा एक्सप्लोर करने के लिए, और ये सामने जो आप देख रहे हैं गेट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्पीति, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्पीति का ऑफिस है ये। ये देखिए ये इनका ऑफिस है, और ये हम सीधा बिल्कुल स्टेट ऑफिस के अंदर आ गए हैं। ये ऑफिस आपको दिखा के बैक कर लेंगे वापस, ये देखिए। और यहाँ पे इंजीनियर साहिबान बैठी हुई हैं नीचे, शायद इनको अभी ऑफिस खुला ना है प्रॉपर, ये वापस मोड़ेंगे नीचे से जाएंगे अब हम। ये हम ऑफिस में ले आए हैं, पहले हम हॉस्पिटल के अंदर ले आए थे, तो बाहर तो है नहीं रास्ता। ये देखिए अभी एक मिनट देखिए आपको दिखाते हैं, ये सामने लिखा हुआ है सारा जो सिस्टम है। ये देखिए धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, पर टेम्परेचर जो है वो -28 है। स्पीति काजा में है हम। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम हिक्किम, जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पोस्ट ऑफिस है, और वहाँ पे जाके हम पोस्ट कार्ड पोस्ट करेंगे अपने घरों को, ताकि यादगार रहे हमारे लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद जाएंगे हाईएस्ट विलेज जो है कॉमिक, तो कॉमिक जाएंगे, फिर जाएंगे लांगजा जो बुद्धा स्टैचू है, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, और इसके बाद आ जाएंगे की मोनेस्ट्री। तो दोस्तों इन सुंदर वादियों के नज़ारे के साथ साथ आपको एक और अपडेट करते हैं। ये देखिए ये एक बहुत ही मतलब अच्छा मोड़ है, जिसको 4x4 पे अब हमारी जिमनी चल रही है वही इसको कवर कर सकती है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए और ये देखिए, ये हमारे आगे आगे जिप्सी चल रही है। ये जो है रोड क्लीयरेंस की टीम है जो अभी यहाँ पहुँची थी, जो रोड क्लीयरेंस करने के लिए पहुँचे हैं। और ये देख लीजिए साथ साथ आपको ज़िंदगी के नज़ारे पूरी की पूरी, इसे बोलते हैं आइस वैली स्पीति। पूरे रोडों पे बर्फ़ है, पहाड़ों पे बर्फ़ है, पूरी वैली में बर्फ ही बर्फ है, और हम बर्फ़ के अंदर इस समय कैद हैं और बर्फ़ के नज़ारे ले रहे हैं, ज़िंदगी के नज़ारे ले रहे हैं। आप भी आइए, मौका मिले तो ज़रूर आइए। इसको बोलते हैं स्पीति वैली काजा, और हम जा रहे हैं इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस देखने, और वहाँ से आपको चिट्ठी डालेंगे और हमारी चिट्ठी का जवाब भी दीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये हम रास्ते में हैं, ये अभी आपको बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं, छोटी सड़कें हैं, जो लगभग 8-10 फुट की सड़क है जहाँ से हम पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। और ये सूखे पहाड़ हैं साइडों पर, और बाकी आप ये नज़ारा देख ही रहे हैं। इस समय हम माइनस जो है 22 से लेके 28 टेम्परेचर के बीच में 4x4 के ऊपर जिमनी चला रहे हैं, क्योंकि अगर आप 4x4 नहीं करेंगे तो इसको चलाना संभव नहीं है। ये देखिए लांबा जी लगे हुए हैं, ये जो चला रहे हैं 4x4 हमारे, और हम यहाँ बैठे हुए हैं और पूरा वॉच कर रहे हैं एरिया को, लोकेशन को, और आपको इस खूबसूरत वादियों के नज़ारे दिखा रहे हैं। स्पीति की पहाड़ियों पे हैं जहाँ पे पूरी बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए सिर्फ बर्फ बर्फ और बर्फ की चादर बिछी हुई है। लाहौल स्पीति के अंदर हम इस समय -डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, पूरी की पूरी बर्फ़ की चादर है, वादियाँ पूरी बर्फ से ढकी हुई हैं। ज़िंदगी के मज़े अगर आपने लेने हैं, ज़िंदगी की चाहत पूरी करनी है, ज़िंदगी का स्वर्ग देखना है, तो इस लास्ट पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए इस एडवेंचर टूर को ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल पे बने रहें। ये सामने लिखा हुआ है, मैं सामने मेरा कैमरा है, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे हम पहुंच चुके हैं, और ये हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। अब आप देख सकते हैं कहाँ हम रुके हैं, इस पर मैंशन है क्लियरली कि वर्ल्ड का ये हाईएस्ट एटीट्यूड के ऊपर ये पोस्ट ऑफिस है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो पोस्ट ऑफिस बना है हिक्किम में, और ये देखिए द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम। हमारी जिमनी पहुंच गई है यहाँ पे, ये देखिए ये हम पहुंच चुके हैं, और ये छोटा सा गांव है हिक्किम का गांव है, और ये चारों तरफ का व्यू देख लीजिए, वाइट स्पीति देख लीजिए चारों तरफ का, जो सबसे बहुत ही शानदार। कम से कम 1-1 फुट बर्फ के अंदर से आए हम, और 4x4 हमने लगाई है, बिना 4x4 के यहाँ पहुँच नहीं सकते, और फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे ही हमने
ड्राइव करी है। तो गाइस मैं गांव के नीचे पहुंच गया हूं, दिखा देता हूं। यह है गांव लांगजा गांव, यहां मिट्टी के मकान बने हुए हैं और ऊपर कितनी घास है ताकि गर्मी जो सर्दी है वो नीचे ना जा सके, पूरी घास से कवर्ड होता है ये घर और मिट्टी के बने होते हैं और जो जो आइस प्रूफ होते हैं ये घर सारे, और ये पूरी आइस जमी हुई है यहाँ पे। ऊपर तक जाएंगे, वो हमारी जिमनी खड़ी है और भाई लोग खड़े हैं हमारे, चलते हैं ऊपर। वह भाई आ रहा अभी पोस्ट ऑफ कार्ड देने, तो ऊपर चलते हैं। तो गाइस हम लेने आ गए हैं पोस्ट कार्ड, ये देखिए यहाँ पोस्ट कार्ड मिलते हैं अलग अलग, ये दे दो यहाँ की किमिनिस्ट्री है, ये निकाल दो तीन चार, तो ये सारे पोस्ट कार्ड मिलते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए जो मर्जी ले लीजिए और अपने घर को अपने प्यारों को पोस्ट कर लीजिए और उनको लगेगा आप यहाँ पे आए हो। तो मैं भी कार्ड ले लेता हूँ, पोस्ट करता हूँ फिर। यहाँ पे हमने पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिए हैं और मैंने काफ़ी सारे मैग्नेट के भी वो ले लिए स्टिकर्स तो फ्रिज पर लगाने के लिए। अब हम जा रहे हैं लांगजा जो बुद्धा स्टैचू है और वहाँ पर जो जाके फोटोग्राफी करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। से लांगजा की तरफ चल पड़े हैं। बीच में रास्ता बहुत खतरनाक था, 2 फुट की बर्फ मिली, गाड़ी हमारी बर्फ में फंस गई थी, बहुत मुश्किल से दिक्कतों से गाड़ी निकाली और बीच में हम एक बार रास्ता भी भटक गए थे। रास्ता भटकने की वजह से हम थोड़े घबराए भी, पर हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से अपने मेन रास्ते पर निकल आए। अब हम हिक्किम से जा रहे हैं लांगजा। हम हैं लांगजा में और ये देखिए ये फोटोग्राफर आए हुए हैं बाहर से और वो दूरबीन से देख रहे हैं। ये सामने यहाँ पे स्नो लेपर्ड दिखाई देता है इस एरिया में, लेकिन अभी तक कोई निशान नहीं है स्नो लेपर्ड के। और ये मोनेस्ट्री है, अभी मैं आपको बुद्धा स्टैचू दिखा देता हूँ। अभी यार बड़ी ख़तरनाक ड्राइव करके आए हैं हम, मैं अभी अपनी जिमनी दिखाता हूँ, पूरी स्नो में घुस गई थी पूरी 2-3 फुट में और 4H लगाए लो, 4 लो लगा के हम आए हैं। ये देखो हमारी जिमनी की हालत, इतनी इतनी बर्फ़ थी, इतनी इतनी बर्फ में निकाल के लाए हैं, पूरे टायर में बर्फ़ है। तो हम पहुंच गए हैं बुद्धा स्टैचू के पास, ये है गौतम बुद्धा का स्टैचू और चारों तरफ वाइट स्पीति, देखिए चारों तरफ वाइट ही वाइट है। और मैं चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ बुद्धा स्टैचू का, और इस समय -10 डिग्री वेदर है, -10 है इस समय, बहुत ही ठंड लग रही है, -10 में घूम रहे हैं हम। और ये देखिए हमारे पीछे बहुत गौतम बुद्धा स्टैचू, ये और सामने का व्यू भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए सामने का व्यू है और ये सामने से फोटो, ये है गौतम बुद्धा स्टैचू। अब हमने लेमन टी पीने जा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, -10 डिग्री है और ऑक्सीजन लेवल भी कम है यार। देखो पानी टपक रहा है और ये जम चुका है, नली बन गई है बर्फ़ की सामने। ये पीछे मोनेस्ट्री है, ये कैफ़े है और कैफ़े में जा रहे हैं हम। तो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ऊपर से हम आए थे हिक्किम से और हम गए थे यहाँ पे बुद्धा स्टैचू देखने, सामने वो दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये रास्ता जाता है काजा को जो अब नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, चलते हैं फिर आगे। चीचम ब्रिज के लिए निकल चुके हैं हम, तो ये अभी हमारे प्रदीप जी आपको इसके बारे में बताएंगे और आप सुनते रहिए ध्यान से। काजा यहाँ से 10 किलोमीटर है और चीचम ब्रिज यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है और वहाँ पूरी की पूरी ये जो वादियाँ हैं, ये जो नज़ारे हैं फ्रॉम जहाँ से अभी हम चल के आ रहे हैं, जहाँ मोनेस्ट्री में आपको दिखाए थे नज़ारे, वहाँ से सीधा हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज। ये देखिए ये हमारे एक मित्र और आ रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू गाइस? वेरी फाइन, हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक।
गुड लक, बाय बाय। 30 थार आ रही है लगभग ध्यान से। 30 थार, ओके 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 ओके। तो दोस्तों 30 थार आ रही है अभी जो पता चला है, तो अभी जो 30 थार आ रही है अभी आपको मिलवाते जाएंगे। ये देखिए, बाय बाय। मैं इसको अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा एक और ट्रेवल जो करने में ट्रेवल ग्रुप जो है, एडवेंचर ग्रुप, ये हमारा एक और एडवेंचर ग्रुप है, पुष्कर है, पुष्कर एडवेंचर ग्रुप, जिसमें 25 थार हैं ये आ रही हैं। तो ये आप देखते रहिए, इसी टाइप का साल है, सब में दो दो ही है। हम काजा पहुंचने वाले हैं। काजा से हम एक नया रास्ता निकलता है चीचम ब्रिज की तरफ, तो चीचम ब्रिज की तरफ वहां से मूव करेंगे। ये है सामने ब्रिज, देख रहे हैं आप, ये रंगरी गांव जाने का ब्रिज है। लास्ट टाइम हम यहाँ 2019 में यही रुके थे हम, लेकिन हमें जाना है सीधा रंगरी पुल से कीपर सड़क। हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री, ये सामने देखिए की मोनेस्ट्री, और विंटर्स में की मोनेस्ट्री का ये व्यू होता है चारों तरफ का। ये देखिए सामने पूरी वाइट स्पीति है, और ये की मोनेस्ट्री है। अभी हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज सीधा, और फिर वापसी जाएंगे, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं और एक भाई की तबीयत थोड़ी डामाडोल हो रही है, इसलिए हम निकलेंगे आज अपना दिल्ली की तरफ। अब जहाँ मैक्सिमम जहाँ तक पहुँच सकेंगे जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं चीचम ब्रिज, और ये हमारी जिमनी, बर्फ ही बर्फ लगी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट जो विलेज आ रहा है वो कीपर है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, तो आप यहाँ पे स्नो लेपर्ड वगैरह देख सकते हैं। तो आगे मैं दिखाऊंगा, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो इसी प्रयास में है कि स्नो लेपर्ड नज़र आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग हैं, ये श्रीलंका से आए हुए हैं जो आगे चल रहे हैं, ये श्रीलंका से आए हुए लोग हैं, ये भी स्नो लेपर्ड देखने के लिए आए हैं। और हम तो आपको पता ही है इसके कितने शौकीन हैं, लेपर्ड्स हो और वो भी स्नो में, तो देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। हम पहुंच गए स्नो कीपर विलेज के पास, और ये देखिए गाड़ियां लाइन से खड़ी हैं, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड आता है उसी को देखने के लिए ये सुबह से खड़े हुए हैं कैमरा लेके। और वो चीचम विलेज, वो सामने आप देख रहे हैं वो है चीचम विलेज, और उससे पहले है ब्रिज, तो हम ब्रिज को देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी है, और ये स्नो माउंटेन, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखो सारे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कैमरे वाले सारे खड़े हैं, ये देखिए सामने। चलिए आइए, ये देखिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी कंट्री के काफी लोग आए हुए हैं। अब इनको लेपर्ड नजर आ गया शायद, नहीं तो ये देखिए सब अपने अपने कैमराज लेकर बैठे हुए हैं, सब हमारे मित्र ट्रैवलर हैं, एडवेंचर करते हैं, और ये यहाँ से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं सामने कि शायद मिल जाए। स्नो लेपर्ड की तलाश में है सारे लोग, ये देखिए सभी लोग स्नो लेपर्ड की तलाश में हैं, ये सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक वो नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारे दोस्त और मित्र, सामने का थैंक यू वेरी मच। और ये सामने का व्यू देखिए, ऊपर मकान देखिए आप, ये देखिए कितनी हाइट के ऊपर कीपर विलेज है, वो सामने जो है उसको कीपर विलेज बोलते हैं, और बहुत ही हाइट के ऊपर है, वेरी नाइस प्लेस, बहुत ही अच्छा एडवेंचरस के लिए ये जगह है। आप आएँ देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जाट ऑन व्हील्स, और फॉरवर्ड भी करें। ये देखिए सामने आ गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट ऊंचाई पे चीचम ब्रिज, ये देखिए सामने। अब इसके अंदर से हम निकलेंगे, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी, जगह है कि नहीं। You have arrived. तो गाइस ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट चीचम ब्रिज, जिसको हम देखने आए हैं, हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ये 4x4 नहीं है क्या? 4x4 है। फिर क्या हो रहा है? ये देखो ये चढ़ नहीं पा रही है पूरी, वो लेके आने पड़ेगा पूरा फ्लो। एट लास्ट बहुत जद्दोजहद के बाद हम पहुंच गए हैं चीचम ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है ये, और जो कि यहाँ पे चीचम में लाहौल स्पीति में है। और ये जो ब्रिज है
किब्बर विलेज को चीचम विलेज से जोड़ता है। अगर जब ये ब्रिज नहीं बना था तब इस 20-25 किलोमीटर फालतू घूम के जाना पड़ता था, अब सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। अब यहाँ से हमारी वापसी दिल्ली की शुरू हो गई है, तो विंटर स्पीति को हमने फतेह कर लिया है और सब कुछ हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर किया है। ये आखिरी था चीचम ब्रिज और ये सामने दिखा देता हूँ, ये है चीचम विलेज जिसके कारण ये ब्रिज बनाया गया है। तो अब सीधा जाएंगे काजा, काजा से फिर सीधा निकल जाएंगे, जहाँ तक पहुँच पाएँ आज मैक्सिमम जाने की कोशिश करेंगे। अगर साफ़ सुथरा रास्ता होगा तो आगे चल जाएंगे, अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ रही तो वहीं रुक जाएंगे, कहीं भी होम स्टे मिलेगा तो चलते हैं। बस भगवान भोले का नाम लेके जय भोले की।